इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इस पे नहीं हो पाएगा। इसको जैसे कोई एक प्लेन है, उस पे हमने ये परपेंडिकुलर एक्सिस डाल दिए, इसको परपेंडिकुलर दो लाइन है, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्पेस। इसको ऐसे यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट स्पेस का, कि जैसे मान लो कि अगर मुझे इस चीज को जैसे नंबर लाइंस की तरह हम एक्स एक्सिस पे नंबर्स डाल देते हैं, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, है ना, दिस वे ये जाता है। फिर -1, -2, -3, -4, -5। सिमिलरली वाई एक्सिस में हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ऐसे चल रहा है। तो अब जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है इस पोजीशन पे, तो हम इस पॉइंट का ये देखते हैं कि वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जरा देख के बताओ तो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक्स में 5, वाई में 3। हाँ, एक्स में 5 और वाई में 3। तो इसको अगर हम इस पॉइंट को डिनोट करना चाहें तो ऐसा 5 एंड 3। तो इस पॉइंट को हम सीधा, एक बार, हेलो, हेलो यार, आज कितना डिस्टर्ब करवाओगे यार, लेके जाओ ना इसको यहाँ से। हाँ, तो ये जैसे पॉइंट है बाबू, तो इसको हम 5, 3 से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से इस पूरे स्पेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाल दिया, तो ये पॉइंट तुम्हें, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना मूव कर रहा है। तो जैसे इसको देखा जाए तो ये एक्स में -4 मूव किया है, तो इसको -4 और y में 5 बोलेंगे, ठीक है। तो
तो इसको -4 5 बोलेंगे, तो ये आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि 3 -2 बताओ कहाँ पे है, तो बता पाओगे तुम लोग? यस सर। हाँ, तो इसी तरह से हम कोई भी इस एक्सेस पे कोई भी पॉइंट को हम एक्स वाई, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि क्लास हमने, सुनो, अब पॉइंट ये है मेरा यहाँ पे कि ये क्लास हमने रखा था ऐसे तो इसके लिए, डाउट्स के लिए, बट चूंकि क्लास पोस्ट ऐसे हो गई कि अलजेब्रा फर्स्ट क्लास है, तो विल कीप इट एज अ फर्स्ट क्लास ओनली। तो जिस जिनने जैसे आकाश है या फिर तन्वी है, तुम लोगों ने ये सीट कर रखा होगा, ठीक है? कल बोला था मैंने, तो कर रखा है ना तुमने? यस आकाश, तुमने भी ट्राई किया होगा? सर, यस सर। हाँ, तो तुम लोग डाउट्स का छोड़ लो, डाउट्स नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो नाउ मेरिन, अंशुला और अस्तित्व और प्रियंका, एक्स वाई जेड से कौन है? प्रियंका है ना? हेलो, सर एक डाउट है, ये जो हमारी वर्टिकल एनर्जी हमारी एक्स एक्सिस होती है ना। नहीं, जो जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस होता है ओके सर। और वर्टिकल है वो वाई एक्सिस होता है। तो ओके जैसे सर। अगर हम इसमें अगर हम एक्स में 5 जाते हैं, जैसे मतलब वाई से देखते हैं कि कितना हमने मूव किया, तो ये देखो 5 है, ठीक है? यहाँ पे यस सर। इस पॉइंट के लिए तो 5 हमने बोला और वाई में हमने बोला ये 3 है, तो इस पॉइंट को हम लोग 5 3 ही बोल देंगे। तो सिमिलरली अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 3 -2 किधर है, तो तो थ्री सर थ्री माइनस जो टू होगा वो एक्स में होगा और -2 हाँ जो तो होगा तुम वाई में होगा। एग्जैक्टली तो 3 में तुम एक्स में जाओगे तो यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, और वाई में -2 जाओगे तो यहाँ तक पहुंचे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो तुम्हारा होगा वो 3 -2 होगा। सिमिलरली -3 -4 अगर तुमसे कोई बोला जाए तो उसको कहाँ पहुंचाओगे बताओ? सो -3 एक्स में यहाँ तक, मतलब ये वाला लाइन, और फिर -4 यहाँ तक, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा -3 -4 होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है? और इस तरह से आप इस पूरे लाइन पे किसी भी पॉइंट्स को आप बता सकते हो सिर्फ 2 नंबर्स में कि वेयर दैट पॉइंट इज लोकेटेड, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है। यस हाँ, अब तुम्हें एक चीज यहाँ ये समझनी है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कुछ लाइंस ऐसे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक एक पर्टिकुलर रिलेशन से बाइंडेड होते हैं। रिलेशन से बाइंडेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक पॉइंट है 1 3, एक पॉइंट है 2 5, एक पॉइंट है 3 7, एक पॉइंट है 4 9, इस सारे पॉइंट्स को समझ सकते हो? एक बार देख के बताओ तो ये कैसा पैटर्न है, एक बार सोच के बताओ तो। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हाँ, मतलब इस सब में तुम देख रहे होगे क्या कि एक पैटर्न है कि एक्स कोऑर्डिनेट को डबल कर दें और उसमें एक ऐड कर दें तो वाई मिल जा रहा है, मतलब कि 2x+1 इज इक्वल टू वाई, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 2x+1। ये दिख रहा है तुम लोग को? बताओ, यस सर। सबको दिख रहा है? अंशुला, तुम्हें दिख रहा है ये पैटर्न दिख रहा है? यस सर। ये यस सबसे हाँ, ओके। तो मेरिन, यू आर ऑल्सो सेइंग दिस, सबको ये पैटर्न दिख रहा है? हाँ सर। तो अब अगर इस पैटर्न पे जो पॉइंट्स हैं ये और भी हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि यही चार होंगे। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उस हिसाब से एक वाई की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं? जी सर। गुड। तो अब अगर हम चाहते हैं कि उन सारे पॉइंट्स को इस पे हम डोनेट करें, मतलब डिनोट करें कि ये कहाँ पे है,
हमारा एक्स अगर वन है तो वाई थ्री है, तो जैसे वाई को यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ऐसे कर दिया, तो एक्स वन है तो वाई थ्री है, एक्स टू है तो वाई जो है फाइव है, एक्स थ्री है तो वाई सेवन है, एक्स फोर है तो वाई नाइन है, तो तुम देख रहे होगे। और एक्स अगर जीरो है, मतलब इसी हिसाब से देखा जाए तो एक्स अगर हम जीरो रख दे तो वाई की वैल्यू वन हो जाएगी, तो एक्स जीरो है तो वाई वन है। ये देखो ये सारे पॉइंट्स ना तुम्हें दिखेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं, एक लाइन में दिख रहे हैं तुम लोगों को। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई पैटर्न के हिसाब से पॉइंट्स को देखें तो एक हमेशा एक लाइन बनाएगा। तो इस लाइन में, मतलब ये लाइन बनाने का मतलब क्या हुआ कि इस पे कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, जैसे यहाँ का भी, बीच का भी ले लोगे, जैसे 1.5 का भी ले लोगे, तो कोई भी पॉइंट जो है वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट करने का मतलब कि उस पॉइंट का जो वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, विच इज वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये सबको समझ में आ रहा है? इज एवरीवन गेटिंग मी? सर ये पूछना था कि हमारी इक्वेशन जो जैसे आपने दी है 2x plus 1 equals to y, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट भी चाहे 1.3 दे रहेंगे तो उसमें भी हमें 1 को एक्सटर्नल, y को 3 लेना है और हाँ, ये तो हमेशा ही x ही है ना। yes, तो हमें पुट नहीं करना, हम तो यहाँ से देख के ये रिलेशन बनाए कि ऐसा हमने पॉइंट्स अगर ले लेते हैं तो। यस सर। मेरा कहना ये था कि जब भी कोई पैटर्न में पॉइंट लोगे ना तो एक लाइन ही बनेगा। कोई भी पैटर्न लो, जैसे तुम एक पैटर्न लो, जैसे मैंने लिया कि x को डबल करके एक ऐड करने वाला पैटर्न, तुम बताओ कोई एक पैटर्न बताओ, बोलो, एनीवन कैन ट्राई एनी पैटर्न। सर सेम इक्वेशन में नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट्स के पैटर्न लो जिसमें एक्स वाई जो है ना एक सर्टेन वे में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं तुम्हें फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एक पैटर्न ले सकता हूँ कि एक्स अगर वन है तो वाई जो है टू होगा, एक्स अगर टू है तो वाई फोर होगा, एक्स अगर थ्री है तो वाई सिक्स होगा। अब इसमें क्या पैटर्न है दिख रहा तुम्हें? Exactly, y is equal to 2x. तो ये हमने इस पैटर्न को ऐसे डिनोट कर देते हैं एलजेब्रा से, और जब हम इसको ऐसे ही फिर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा क्या कि ये फिर से एक लाइन में आ गया, जैसे 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, और जब हम इसको अगर हम खींचेंगे तो ये हमें ऐसे एक लाइन सा दिखेगा। मतलब जब भी हम कोई पैटर्न लेते हैं वी ऑलवेज गेट अ लाइन। तो उस पैटर्न, अब हम इसको उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक लाइन होगा तो वो पक्का एक y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ऐसा कोई एक रिलेशनशिप को जरूर फॉलो कर रहा होगा। अब आप तुम लोग समझ रहे हो वाई आई एम सेइंग कि या तो मतलब पैटर्न है तो लाइन होगा, और लाइन है तो मतलब पैटर्न जरूर होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कभी भी जब हम y को x के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, है ना, जैसे मान लो हमने बोला और सिंगल पावर में, मतलब x का पावर सिंगल रखेंगे, तो जैसे अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पैटर्न है y और x का। तो इसको अगर हम बोले कि कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ऐसा नहीं है ना कि एक यूनिक वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी वन ले, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके हिसाब से एक वाई का वैल्यू आएगा कि नहीं? यस सर। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्स को वन ले, जैसे एक्स और वाई, एक्स को वन ले तो वाई कितना आएगा बताओ, या x को पहले जीरो ले लेते हैं तो y कितना आएगा? माइनस थ्री। x को वन लेते हैं तो y कितना आएगा? माइनस वन। हाँ, x को टू लेते हैं तो कितना आएगा? वन।
एक्स को टू लेंगे तो वाई आएगा हमारा वन। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो जैसे मान लो कि ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे है, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ऐसे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे, ये वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, मैं वो बता दूं पहले, तो अगर हम ऐसे देखें इसको तो जीरो पे एक्स जीरो पे वाई कितना है माइनस थ्री, यानी कि एक्स अगर यहाँ पे जीरो है तो वाई जो है माइनस थ्री है, तो यहाँ पे होगा ये माइनस थ्री है ना, तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक्स वन है तो वाई है माइनस वन, तो एक्स अगर वन है तो वाई जो है यहाँ पे है माइनस वन, और एक्स टू है तो वाई है प्लस वन, एक्स यहाँ पे टू है तो वाई है प्लस वन पे, तो फिर से देखो ये एक लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने बोला कि जब भी कोई इक्वेशन हम बनाते हैं तो उसका एक लाइन बनता है, ठीक है। तो ये एक आपका, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में, मतलब एक रिलेशन है जो वाई जो है यहाँ पे, ये वाई और एक्स, इसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि वाई जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब y की वैल्यू जो है x पे डिपेंड करेगी, और x जो है अगर इंडिपेंडेंट है तो हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि y इज बेस्ड ऑन x विच इज ए एक्स प्लस बी, मतलब इस तरह से कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री हो सकता है, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एक्स प्लस माइनस फाइव बाई थ्री हो सकता है ना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका एक इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें तुम ध्यान दोगे तो जो वैल्यू जो टू है यहां पे, जैसे मान लो यहां पे जो टू है, तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू ये बता रहा है कि वाई की जो वैल्यू होगी एक्स के कोऑर्डिनेट के डबल और उससे थ्री कम है ना, मतलब जो भी x का कोऑर्डिनेट, तो ये जो 2 है वो बेसिकली ये बताता है कि एक x के बढ़ने पे y कितना बढ़ेगा। तो तुम देखो यहाँ पे जरा सा, इस इक्वेशन में हम x में 0 से 1 गए तो y का ग्रोथ कितना है बताओ, 2, मतलब माइनस थ्री से माइनस वन हुआ है ना, तो 2 बढ़ा है, फिर अगर एक x बढ़े हैं तो y कितना बढ़ा है, 2। तो ये हमेशा इसी के जैसा आएगा, जब भी तुम किसी लाइन को ड्रॉ करोगे ना तो ये यहाँ पे जो है ना उसी का गैप बनता हुआ दिखेगा। तो अगर तुम इसको फिर से एक दूसरा लाइन हम ट्राई करते हैं, ठीक है, एक दूसरा लाइन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हमने बोला y इज इक्वल टू 3x माइनस वन, अब x और y ले लिया, अगर अगर हम x को 1 लेते हैं तो y कितना आएगा बताओ जरा सा, जल्दी जल्दी बोलो सर, 2। x को 2 लेते हैं तो y कितना आएगा, 5। x को 3 लेते हैं तो y कितना आएगा, 8। देखो यहाँ पे x में 1 बढ़ा है ना, चेंज एक का है, तो वाई में चेंज कितना है, थ्री का। एक्स में एक बढ़ा है तो वाई में चेंज कितना है, थ्री का। तो ये जो यहां वाला जो है ना, ये हमेशा एक्स के एक चेंज पे वाई कितना चेंज करेगा वो बताता है, ठीक है। अगर मान लो कि कभी कोई लाइन ऐसा है, मतलब कोई ऐसा है, तुम लोग को बता रहे हैं अभी, जैसे बहुत बेसिक से बता रहे हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तुम लोग दोबारा देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ऑल्दो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई क्लास रखे ना, तो इट सजेस्टेड कि आप पुरानी उसकी रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, ठीक है, और नहीं मिले तो पूछ लेना कहाँ पे। अब जैसे मान लो तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो, सर y इज इक्वल टू 3/2 एक्स माइनस 5 है, अगर ऐसा है, ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक एक पॉइंट रख के देखेंगे, बताओ x अगर 1 रखेंगे तो y कितना आएगा ये बताओ। x 1 रखोगे तो y कितना आएगा, चलो 1 से नहीं करते हम इंटीजर रखते हैं, x अगर 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, माइनस टू। x अगर 4 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1। x अगर 6 रखेंगे तो y कितना आएगा, 4। x अगर 8 रखेंगे तो y कितना आएगा, 7। तो देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि ये 3/2 है, मतलब 3/2x है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x में अगर 2 का चेंज होगा तो y में 3 का चेंज होगा। तो तुमको यहाँ दिख रहा होगा 2 से 4 हुआ तो y कितना बढ़ा, 3+3। इसी तरह से ये 2 बढ़ा तो y में कितना बढ़ा, +3। और इसी तरह से यहाँ पे भी 2 बढ़ा तो y में कितना बढ़ा, +3। ठीक है, अब इसको तुम ड्रॉ करोगे ना, मतलब मैं तुम्हें दोनों तरीके से दिखा देते हैं कि ड्रॉ करते हो तो कैसा दिखता है, यही चीज ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा। एकदम धीरे धीरे अलजेब्रा अगर कर ही रहे ना तो बहुत धीरे धीरे करेंगे, रोज छोटा छोटा लेसन करके करेंगे, तो रोज मतलब कि हर अल्टरनेट डे पे ऐसे, जैसे एक्स टू ले लिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया, इधर भी हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम ओरिजिनल ग्राफ पेपर चिपका के इस पे रखेंगे कि तुम्हें समझ में अच्छे से। तो जैसे x अगर 2 लिया तो y माइनस 2 है, तो x यहाँ पे ये 2 है तो y माइनस 2 है, तो पहला पॉइंट ये है ना। x अगर 4 लिया तो y 1 है, तो x अगर 4 लिया तो y 1 है, तो दूसरा पॉइंट तुम्हारा ये है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं 2 माइनस 2, और ये 4 1। x अगर 6 लेते हैं तो y आएगा 4, x अगर 6 लेते हैं तो y आएगा 4। तुमको पता ही है कि अगर पैटर्न में होगा तो ये हमेशा एक लाइन बनाएगा। तो अगर तुम इसको यहाँ पे देखोगे ना कि x में 2 बढ़ा है ना, x से लगा मान लो कि यहाँ ये 2 है ये 4 है, x में 2 बढ़ा है तो y में कितना का चेंज है, 3 का चेंज है। तो ये जो कर्व बढ़ रहा है उसमें फॉर ईच x, मतलब यहाँ पे 2 ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेना है, फॉर ईच 2 ऑफ x y का ग्रोथ 3 है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 बढ़ रहे हैं तो y का ग्रोथ 3 है, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें 4 बढ़ रहे हैं तो y का ग्रोथ 6 है। ठीक है, इसी तरह से ये कहीं पे भी तुम अगर x में 2 बढ़ोगे तो y में 3 बढ़ोगे, x में 5 बढ़ोगे तो y में कितना बढ़ोगे, 7.5, उसी तरीके से 2:3 के रेशियो में। तो ये जो कर्व जो लाइन है इसका जो इसको ये जो आप निकाल रहे हो इसको हम बोलते हैं स्लोप, कि किस हिसाब से ये बढ़ रहा है। मतलब अगर मान लो कि हमने बोला एक लाइन ऐसा है ना, और एक लाइन ऐसा है, तो दोनों में फर्क है ना, ये जल्दी जल्दी वाई बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे वाई बढ़ रहा है, तो उसी चीज को समझने वाली बात है कि हेलो तुम लोग आवाज आ रही है मेरी, यस सर। यस सर, थोड़ा मेरा स्क्रीन पता नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, यस सर। यस सर, अभी ब्लैकआउट हुआ। हाँ थोड़ा ब्लैकआउट हुआ पता नहीं कैसे, हाँ तो अभी दिख रहा होगा, ठीक है, यस सर। हाँ तो इसी को चीज को हम बोलते हैं जो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है 3/2 जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट, है ना। तो जब भी कोई वो क्या बोलते हैं आपका लाइन हो, तो जो मूवमेंट का जो वो है रेट है, एक्स के बढ़ने पे वाई कितना बढ़ रहा है, उस रेट को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो -5 है वो ये रिपीट कर दे, मतलब जो अभी मैंने दिखाया ना तुम्हें कि एक्स में 2 बढ़ा तो वाई 3 बढ़ रहा है, यस सर, यहाँ पे तो इसी चीज को यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है ना 3/2। हाँ मतलब ग्रेडियंट मतलब कि ग्रेडियंट मतलब किस ग्रेड से बढ़ रहा है या किस स्लोप से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस उसी चीज को
तो जो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ठीक है, जो 3/2 है लिखा हुआ, दिस इज माय स्लोप। तो अगर मैं कभी लिखा रहा है, अब अगर मैं कभी तुम्हें लिख के दूं कि y इज इक्वल टू, somehow my pen is not working, so अच्छा कोई बात नहीं है, y इज इक्वल टू 3/2 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो yes, मतलब क्या हुआ कि x में 2 बढ़ने से y में 3 बढ़ेगा, ठीक है। Yes, और ये जो -5 है लास्ट में, ये क्या डिनोट करता है कि अगर x 0 हो जाए तो y की क्या वैल्यू होगी। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला, तो ये वाले में जो y को जो काटा है, जो लाइन, वो -5 पे काटा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट मतलब y के मतलब y में 0 से क्या डिस्टेंस है, मतलब x मतलब 0-0 वाला पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट हम जिसको बोलते हैं, उससे क्या डिस्टेंस है उसका, ठीक है। अच्छा चलो इसको तो यहाँ पे इसमें तुम क्या देख रहे हो, तुम कि अगर x जो है, यहाँ पे इस लाइन को विजुलाइज किया हमने, तो हमने ये देखा कि x पे 7 बढ़ने पे y जो है वो 5 घट रहा है, तो स्लोप कैसे लिखेंगे, -5/7। और इंटरसेप्ट हम देखते हैं x 0 होने पे, ठीक है। तो इसको हम फिर से अपने सीट पे चल के देखते हैं कि वहां कहीं, अब यहाँ दिख रहा है, ये रिस्पॉन्स नहीं है, ओके। मुझे अब दूसरा एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, कि इसमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। जैसे मान लो कि ऐसे है, यहाँ पे जो x है वो -5 है और यहाँ पे y जो है वो 4 है, इस केस में बताओ तो क्या है स्लोप, इसमें इसमें x में क्या चेंज पे y में क्या चेंज हो रहा है, बताओ। x 5 से बढ़ रहा है तो y भी 4 से बढ़ रहा है। हाँ देखो, यहाँ से अभी x हम यहाँ से देखेंगे, -5 से 0 हो गया, x +5 हुआ, उस केस में y कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से 4 तक बढ़ गया, तो इस केस में क्या लिखेंगे, 4/5 x। अच्छा, इसमें इंटरसेप्ट क्या देखेंगे बताओ, 4. जब भी, हाँ, x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, ये मेरा वो हो गया इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हम तुमको दो अलग अलग पॉइंट देते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट देते हैं, जैसे मैंने बताया एक पॉइंट है मेरा टू फाइव, मतलब यहाँ पे जो है x 2 है और y 5 है ना, और आगे हमने दिया तुम्हें एक पॉइंट 5/11, ठीक है, और हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, ओहो 10 सेकेंड, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसमें बताओ तो स्लोप कितना है, स्लोप कैसे समझ में आएगा बताओ, इसको देख के समझ में आ रहा है किसी को स्लोप कितना है? यस सर। कितना, कौन है ये, कौन बोल रहा है? तन्वी। तन्वी तुम मत बोलो, रुको, ठीक है, मुझे दूसरा कोई बताओ, अंशुला तुम्हें समझ में आ रहा है? सर इक्वेशन तो यही है 2x+1 y = 2, वो तो ठीक है, हाँ वो तो तुम समझ गए, चलो इक्वेशन वही आएगा, लेकिन लेट्स से कि हमें स्लोप देख के निकालना है तो कैसे करेंगे, तुम क्या करो ना, ऐसे चेक करो कि x दोनों पॉइंट में x कितना बढ़ा, तो पहला पॉइंट में x कितना है सर, x 3 से बढ़ रहा है और y 4 से बढ़ रहा है, y 6 से बढ़ रहा है, तो y हम ऐसे लिखेंगे ना 6/3x, तो ये कट के क्या हो जाएगा,
2x हो जाएगा ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जब इसी तरह से पीछे जाएगा, जैसे y में, मतलब ये तुम्हें पता चल गया कि x में दो बढ़ने पे y, सॉरी x में एक बढ़ने से y दो बढ़ रहा है, ये तो दिख रहा है अभी हमें यहाँ पे, दिख रहा है ना। तो अगर हम पीछे जाएंगे इस लाइन में y x के दो से जीरो तक जाएंगे तो y कितना घटेगा बोलो। जैसे जैसे अगर x में बढ़ रहा है तो उसी रेट से तो घट भी रहा होगा ना। समझ में आ रहा है तुम लोग को अस्तित्व, तुम्हें समझ में आ रहा है पीछे घटे। यस सर। हाँ तो अगर आप ये देख रहे हो कि x में अगर एक से बढ़ने पे y दो बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से तो घटेगा भी ना। तो y मतलब x में दो, अगर हम यहाँ पे टू है मतलब x टू है और हमें पता है इंटरसेप्ट यहाँ मिलता है x जब जीरो होता है तब, तो जब हम x में टू से जीरो तक ला रहे हैं तो y भी तो फोर से घट जाएगा ना। तो यहाँ पे y अगर फाइव है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ भी तो घटेगा ना, ये फोर से ये भी घट जाएगा तो वन हो गया। तो ये वन जो है वो हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। ये बात आई समझ में?